हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप रील्स बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, और अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइज, अगर आप रील्स बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर होगा VN ऐप। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर टाइप करिए VN एडिटर, और ये आपके सामने आ जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। मैंने आपको सजेस्ट ये इसलिए किया क्योंकि पहली बात तो मैं ये पर्सनल यूज़ करता हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है यूज़ करने में। आप एडिटिंग की बात है तो और भी जो सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आप उनमें जल्दी एडिटिंग सीख नहीं पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, काफ़ी ज़्यादा मतलब एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके वीडियो एडिट होता है। ऐसे ही कोई आम बात नहीं है वीडियो एडिट करना, इस वजह से मैंने आपको ये बताया। ये बिल्कुल भी सरल है। अगर आपने अभी तक कोई भी एडिटिंग नहीं की है तो इसमें आप बड़ी आराम से ही एडिटिंग कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और मेरा जो मेन जो मेरा पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि आप इसी ऐप से बिगनर लेवल की भी एडिटिंग कर सकते हैं और इसी ऐप से प्रो लेवल तक एडिटिंग कर सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि बिगनर से आपको प्रो लेवल में जाने के लिए आपको ऐप स्विच ना करना पड़े, इस वजह से मैंने आपको ये सजेस्ट किया है। तो गाइस, अगर आप YouTube वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर होगा काइनमास्टर। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो सिंपली आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर टाइप करिए काइनमास्टर, तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपको ये क्यों सजेस्ट किया। पहली बात तो मैं इसे खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ, और दूसरी बात ये काफ़ी ज़्यादा आसान है यूज़ करने में। अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत ही आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें इसके ऐप के अंदर वॉइस चेंजर दिया हुआ। अगर जस्ट सपोर्ट कि अगर मैं ब्लॉग बनाता हूँ या कोई भी वीडियोस बनाता हूँ और मुझे अपनी वॉइस चेंज करनी, तो फिर मुझे किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, मैं इसमें ही काम सारे कर लूँगा। इस वजह से मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैं पर्सनल यूज़ भी करता हूँ, इस वजह से मैं आपको बता भी रहा हूँ, और आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो करिएगा, नहीं तो डिपेंड ऑन योर टेस्ट। मुझे तो ये बेस्ट लगता है, ये दोनों जो मैंने ऐप बताए हैं ये दोनों मुझे बेस्ट लगते हैं, एक रील्स के लिए और एक YouTube वीडियोस के लिए। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।